प्रभास बाबू क्यों सामाजिक आदमी छे लोग बढ़िया यहाँ काम उम करे छे समय नेता छे ओकरा जिताना छे आइ खुना जरूरत पड़ल है तो अल वोट लेते जीत के चल जीते ओकरा वोट दे के की करबे का रुझान जबरदस्त लग रहा है लोग बदलाव के पक्ष में है और लोग न्याय करने के लिए इस बार मधेपुरा और बिहारीगंज की जनता तैयार है भारी जन समर्थन है लोग मन बना लिए हैं कि यहाँ बदलाव यहाँ की मिट्टी यहाँ की के लोग जो हैं वो यहाँ का अब नेतृत्व करेगा बाहर के लोगों को अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ की जनता सिटिंग MLA हैं उनकी पार्टी है उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे जनता को तय करना है लेकिन बाहरी कैंडिडेट है उस पर मेरा ये अभियान ये लड़ाई उसी के खिलाफ है कि आखिर क्यों बेटे बेटी के बाहर क्यों नहीं सोच पाते ये समाजवादी नेता लोग अपने आप को समाजवादी और परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करके इतने बड़े नेता हुए लेकिन आज परिवारवाद में बेटा बेटी बेटी MLA बेटा MP क्या है मधेपुरा समाजवादियों की धरती रही है समाजवादियों समाजवाद का लॉ यहीं से शुरू हुआ और यहाँ के लोग मानसिक रूप से गुलाम होने हो जाएंगे और ये लोग गुलाम बना करके उसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ के लोगों को की कोई इज्जत नहीं करते वो मिलेंगे नहीं शरद जी 2019 में चुनाव लड़े 2 साल तक कहाँ थे उनके बेटे बेटी आज फिर चुनाव आया तो यहाँ आके धमक गए क्योंकि बड़े नेता है बड़े दल से समझौता करते हैं बात करके यहाँ के कार्यकर्ता को कत्ल करने का काम किए हैं लगातार इंजीनियर साहब प्रभास बाबू क्यों सामाजिक आदमी छे लोग बढ़िया यहाँ काम उम करे छे समय पर जखनी फोन करबे अते बात करे ले जे बाहर के लोग छे वो बात करे ले समय पर नहीं अते ये हमेशा दुख सुख में रहते कत रहे नहीं रहे उ फर्स्टे जाने छे मगर हमर लोकल आदमी छे लोकल आदमी के देबे कि बाहरी आदमी के देबे हमरा लोकल के प्रभास बाबू इंजीनियर के देबे सांसद पप्पू यादव के कैंडिडेट छे जे हमर क्षेत्रीय नेता छे ओकरा जिताना छे आइ खुना जरूरत पड़ल है तो अल वोट लेते जीत के चल जीते ओकरा वोट दे के की करबे दावा करे के लिए एहने दावा करे छे हम हेलीकॉप्टर से एलिए उतरलिए जनता के देखा दिलिए चल गेलिए आ फिर 5 साल जीत गेलिए तो कहियो नहीं अयबे हम मिले ले तो ओकरा जिता के की करबे दावा करे से एहने मिल जाए छे वोट जमीन पर देखो कि केकरा अबरी पड़ रहल छे कहाँ जा रहल छे सब कुछ अबरी जनता पूरा मन बनेले छे कि बदलाव निश्चित छे और हेतै और प्रभास बाबू इंजीनियर साहब जीततै ई निश्चित छे इंजीनियर हर दृष्टिकोण से यह इंजीनियर है 10 साल इनका क्रियाकलाप देखे जो 10 में चुनाव लड़े थे और उसके विगत दिनों से इनका व्यवहार विचार एक जो सोशल इनका जीवन रहा हर व्यक्ति से मिलना पार्टी दलगत भावना से उठ के ये मिलते थे आते थे क्षेत्र में कहीं भी या जहाँ पर पटना हो या दिल्ली हो कहीं भी या क्षेत्र में या ऐसे स्वभाव के लोग हैं एक हर लोग तो एक गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं या तो जनता के प्रेम बंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और ये तो प्रभास बाबू जो हैं जमीनी नेता हैं हम लोग के गांव के हैं घर के नज़दीक के हैं तो हम लोग का सेवा कर रहे हैं और बराबर सेवा में रत रहते हैं तो हम लोग का जो है सो हम लोग को चाहिए क्या विकास चाहिए अच्छा ढंग से चलना फिरना सब चीज़ शांति चाहिए हम लोग खुशहाल रहें इनसे हम लोग अपेक्षा करते हैं और हम आशा करते हैं कि इनके द्वारा हम लोग का उपकार ही होगा और ये आगे बढ़ेंगे